देश इस समय दो चुनौतियों से एक साथ जूझ रहा है, और एक तरफ कोरोना का संक्रमण है तो दूसरी तरफ चक्रवाती तूफान ताऊते। एक तरफ कोरोना से मौत का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है तो दूसरी तरफ चक्रवाती तूफान लगातार तटीय राज्यों को प्रभावित कर रहा है। आज ताऊते तूफान गंभीर चक्रवात में बदल गया है और आज उसकी रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे को पार कर जाएगी। तूफान अभी गोवा से 150 किलोमीटर दूर और मुंबई से करीब 490 किलोमीटर दूर है। तूफान को लेकर एनडीआरएफ की 100 टीमों को तटीय राज्यों में तैनात किया गया है। वायुसेना और नौसेना को भी अलर्ट पर रखा गया है। उधर 24 घंटे में कोरोना के 3,11,170 नए केस सामने आए हैं, वहीं 4,077 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। मामले जरूर कम हो रहे हैं लेकिन मौत कम की जो संख्या है वो कम होती नजर नहीं आ रही है, और लगातार सभी जगहों पर जिस तरह से सावधानियां बरती गई लॉकडाउन के जरिए मामलों में कमी जरूर देखी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ कोरोना से इस जंग के बीच ताऊते तूफान एक नई चुनौती लेकर खड़ा हो गया है। ये चक्रवाती तूफान जो अलग अलग तटीय इलाकों से टकराने वाला है, और देखिए चक्रवाती तूफान का असर भी अब दिखने लगा है। गोवा के मडगांव में नेत्रावती एक्सप्रेस पर एक पेड़ गिर गया। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस हादसे के बाद यातायात प्रभावित हुआ है, रेल यातायात प्रभावित हो गया है। नेत्रावती एक्सप्रेस गोवा के मडगांव से गुजर रही थी जब उस पर एक पेड़ गिर गया। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है लेकिन रेल यातायात उस ट्रैक पर, उस रूट पर प्रभावित हो गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गोवा के नेत्रावती एक्सप्रेस की जो कि मडगांव से गुजर रही थी और पेड़ उस पर गिर गया, जिसके बाद ट्रेन को वहां पर रोकना पड़ा और फिलहाल वो रूट बाधित है। उसको जल्द से जल्द खोलने की कवायद भी जारी है। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से इस चक्रवाती तूफान ताऊते ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। गोवा के मडगांव में तेज हवाएं चल रही थी और जिस वक्त नेत्रावती एक्सप्रेस गिर रही थी उस वक्त ये पेड़ उखड़कर सीधा ट्रेन पर ही गिर गया, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा रूट बाधित हो गया है। और भाटकर हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त, हमारे साथ हमारे संवाददाता अक्षय भाटकर। अक्षय, क्या है पूरी जानकारी? मड़गांव के नजदीक माधेवड़ा करके एक स्टेशन है कोकण रेलवे के ट्रैक पर, इस माधेवड़ा स्टेशन के यहाँ पर तेज चलती हवाओं के चपेट में आकर एक पेड़ ट्रैक पर गिर गया है। यहाँ पर दो ट्रैक है जिसमें से एक ट्रैक पर पूरी तरह से पेड़ गिर गया है। इसी वक्त वहां से नेत्रावती एक्सप्रेस गुजर रही थी और ये एक्सप्रेस जो है वो बाल बाल बचे इस पेड़ की चपेट से। फिलहाल ये जो ट्रैक है वो क्लियर कर दिया गया है। गोवा से नजदीक सिविल स्टेशन है और मडगांव स्टेशन है, इस दोनों स्टेशन के बीच में माधेवड़ा करके एक स्टेशन है। इस वजह से गोवा से मुंबई आने वाली और मुंबई से गोवा जाने वाली और साउथ इंडिया में जाने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं, एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, वो फिलहाल कई स्थानों पर रुकी गई थी। लेकिन फिलहाल कोकण रेलवे ने यह दावा किया है कि अभी जो आवाजाही है एक्सप्रेस की वो शुरू कर दी गई है और कोई भी असर ट्रैक पर नहीं हुआ है। अक्षय, एक बात बताइए, ये जो घटना हुई इसमें कोई हताहत भी हुआ है, एक बात, और दूसरी बात, ट्रैक अब पूरी तरह से सुचारू हो गया है, ट्रेनें गुजर रही है वहां से? इस घटना में कोई किसी तरह की हाथापाई नहीं हुई है, किसी को भी चोट भी नहीं आई है, क्योंकि ये जो एक्सप्रेस थी वो बाजू से गुजर रही थी इस ट्रैक पर से और उसी वक्त ये पेड़ बाजू वाले ट्रैक पर गिरा है। लेकिन फिलहाल जैसे कि कोकण रेलवे ने दावा किया है आवाजाही फिर एक बार शुरू कर दी गई है, जो पेड़ है वो ट्रैक पर बाजू कर दिया गया है। लेकिन जिस तरह से तेज हवाएं चल रही है और भी ऐसी घटनाएं, दुर्घटना होने की संभावना है, इसलिए हाई अलर्ट पर ट्रेन जो है एक्सप्रेस जो है चलाई जा रही है। जी, बहुत धन्यवाद आपका अक्षय इस पूरी जानकारी के लिए। अक्षय भाटकर मडगांव से पूरी जानकारी हमें दे रहे थे। और देखिए, ताऊते तूफान को देखते हुए मुंबई महानगर पालिका ने समुद्र के किनारे फायर ब्रिगेड के जवानों को लाइफ गार्ड के तौर पर तैनात किया है। और मुंबई से आपको दिखाते हैं संवाददाता मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। चक्रवाती तूफान ताऊते के मुंबई पहुंचने या मुंबई के समुद्री किनारों के नजदीक से गुजरने के दौरान मुंबई के तटीय इलाकों पर कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए मुंबई महानगर पालिका तैयार है। मुंबई महानगर पालिका ने मुंबई के समुद्री किनारों पर लाइफगार्ड्स तैनात किए हुए हैं, फायर ब्रिगेड के जवानों को तैनात किया हुआ है। ये जो आप लाइफगार्ड्स देख रहे हैं ये मुंबई के जुहू चौपाटी पर तैनात है। मुंबई के जुहू चौपाटी के हर 200 मीटर पर इस प्रकार की एक एक टीम तैनात है, जिसकी जिम्मेदारी मुंबई महानगर पालिका के फायर ब्रिगेड के एक कर्मचारी को दी गई है। ये आप देख सकते हैं कि लगातार निगरानी रखते हैं, गश्त लगाते रहते हैं चौपाटी पर कि कोई भी व्यक्ति समुद्र की तरफ आगे ना बढ़े या समुद्र में ना जाए। नावों को भी देखते रहते हैं, नज़र रखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर पानी में डूबता हुआ नजर आता है, कोई अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए पूरी तैयारी की रखी है। और लाइफ गार्ड जो होते हैं वो जान बचाने के लिए
पानी में उतर पड़ते हैं। इस प्रकार की तैयारी की गई है मुंबई के जुहू चौपाटी पर, साथ ही साथ अन्य जो समुद्री किनारे हैं वहां भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं जो इस प्रकार की तैयारी रखते हैं। आप देखिए मुंबई का पूरा जुहू चौपाटी पूरी तरह से आपको खाली नजर आएगा। लॉकडाउन एक बड़ी वजह है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से किसी को समुद्री किनारे पर आने की इजाजत नहीं है, लेकिन साथ ही साथ कुछ लोग निर्माल्य कलश में फूल माला डालने के लिए आ जाते हैं या समुद्री किनारों में कुछ विसर्जित करने के लिए, प्रवाहित करने के लिए आ जाते हैं, उनको भी मना किया जाता है। रवि है हमारे साथ। रवि, किस प्रकार की तैयारी है साइक्लोन को देखते हुए, साइक्लोन तौते को देखते हुए? जी सर, हम लोग को 3 दिन का हाई अलर्ट दिया हुआ है। उस तरह से हमारे हर लाइफ गार्ड यहाँ पे 5 पॉइंट पे 2-2, 3-3 ऐसे लाइफ गार्ड है हर एक 5 पॉइंट पे, और हमारा सर्च और रेस्क्यू टीम भी है फायर ब्रिगेड का। 3 दिनों का आप लोग को अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे तो मुंबई के किनारों पर आने पे रोक लगी हुई, लेकिन जो लोग आ जाते हैं उनको आप लोग क्या बताते हैं? जी सर, देखिए लॉकडाउन की वजह से तो अभी भीड़ उतना कम है, लेकिन फिर जो भी लोग आते हैं फूल डालने आते हैं या फिर कुछ अस्थि वगैरह डालने आते हैं, तो फिर उनके साथ हमारे लाइफ गार्ड खड़े रहते हैं, फिर उनका जैसे काम होता है उनको बाहर निकाल दिया जाता है। अभी हम देख रहे हैं जगह जगह पर रेड मार्किंग की गई है, लाल झंडे लगाए गए, इसका क्या प्रतीक होता है? क्या इसके आगे किसी को भी आने की इजाजत नहीं है या डेंजर साइन है? ये सर डेंजर साइन है, इसके आगे आम पब्लिक को आना ही नहीं है। हाँ। ऐसा तो देखिए मुंबई के जुहू चौपाटी की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ किस प्रकार से लाइफ गार्ड तैनात हैं, मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी तैनात हैं जो लगातार निगरानी रख रहे हैं, साथ ही साथ गश्त लगाते रहते हैं कि कोई भी व्यक्ति समुद्र की तरफ ना जाए और कोई अप्रिय घटना ना हो, और अगर कोई अप्रिय घटना होती भी है तो उससे निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई है। कैमरामैन कृष्णा खापरे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़ मुंबई। तो मृत्युंजय सिंह के कुछ देर पहले की रिपोर्ट देख रहे थे आप, और उस वक्त सीधा मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय, तावते को लेकर एक तो अभी जानकारी क्या दी जा रही है? अभी तक बताया जा रहा था कि 490 किलोमीटर दूर है तटीय इलाकों से, एक और दूसरा तैयारियां, खास करके वो लोग जो तटीय इलाकों के आसपास रहते हैं उनको वहां से सुरक्षित हटा लिया गया है, क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई? आदर्श, देखिए दो अपडेट है फिलहाल। एक तो ये कि तावते तूफान मुंबई के समुद्री तट से लगभग 450 किलोमीटर दक्षिण की ओर है और वो मुंबई के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ रहा है, महाराष्ट्र की ओर, गुजरात की ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे। एक तो ये जानकारी है कि कल आज रात के बाद से तेज हवाएं और बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि शनिवार रात को तेज हवाएं चल रही थी और काफ़ी बारिश भी मुंबई के लगभग सभी इलाकों में हुआ था, उसका असर देखने को मिला। बता दें कि इसकी तैयारियां किस प्रकार से हैं, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने टास्क फोर्स के साथ एक बैठक की है। सबसे पहला कदम यह उठाया गया कि मुंबई के जो जंबो सेंटर्स हैं, जो खुले मैदान में कोविड अस्पताल बनाए गए, वहां से 550 से अधिक मरीजों को अलग अलग अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया, यानी कि खुले मैदानों के अस्पताल इस समय खाली करा दिए गए हैं। दूसरा यह कि जो समुद्री किनारों पर लोग रहते हैं, विशेष तौर पर झुग्गियों में रहते हैं, जिनके कच्चे घर हैं या स्लम्स में रहते हैं, ऐसे लोगों को वार्निंग दे दी गई है, लेकिन अभी शिफ्टिंग का काम नहीं किया गया है। मूल्यांकन किया जा रहा है, असेसमेंट किया जा रहा है और तैयारी कर ली गई है, सिर्फ उन्हें बताना है कि आपको किस स्कूल या किस कॉलेज के किस कमरे में जाकर ठहरना है, तो इस प्रकार की तैयारी की गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी को अलर्ट पर रखा गया है, साथ ही साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी मुंबई में तैनात किया गया है। मुंबई के अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उनको एक बेस बनाकर दिया गया है और वहां से वो मूल्यांकन कर रहे हैं। थोड़ा इस समय दिखा दूं, ये मुंबई का जुहू चौपाटी, थोड़ा कल से मौसम काफी सुहाना हुआ है और काफी शांति है, सन्नाटा पसरा हुआ है, पर यह तूफान के पहले का सन्नाटा है। पिछले साल भी हमने देखा था जब निसर्ग तूफान आया था तो इस प्रकार का सन्नाटा था, लेकिन जब तूफान आया तो काफी तेज बारिश हुई और काफी ज्यादा पेड़ को भी नुकसान पहुंचा और कई लोगों के घर को भी क्षति पहुंची थी, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था। तो इस प्रकार की इस बार भी तैयारियां कर ली गई है मुंबई महानगर पालिका से और असेसमेंट किया जा रहा है कि आखिरकार तूफान किस रास्ते से गुजर रहा है और उसका कितना प्रभाव मुंबई या आसपास के तटीय इलाकों पर पड़ेगा। जी आदर्श। जी मृत्युंजय, मुझे एक बात और बताइए, छोटी बड़ी नाव और बड़े जहाजों को भी किनारे पर लाया जा रहा था ताकि अगर तूफान विकराल रूप लेता है तो किसी तरह की दिक्कत ना हो सके, उसको लेकर क्या जानकारी है और जो मछुआरे हैं उनके लिए क्या दिशा निर्देश जारी किए गए? जी बिल्कुल आदर्श, तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा। देखिए मछुआरों की पूरी नाव आपको एक किनारे नजर आ जाएगी, ये मुंबई के जुहू चौपाटी से तस्वीरें हैं। इसी प्रकार से आपको मुंबई के कफ परेड इलाके से, मुंबई के बांद्रा इलाके से जगह जगह मछुआरों की जो छोटी नावें हैं वो आपको दिख जाएंगी। आपको बता दें कि ये प्रक्रिया 3 दिन से शुरू हो गई थी, कोस्ट गार्ड लगातार अपने जो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है या फिर जो उनकी समुद्री पेट्रोल वेसल है उसके जरिए मछुआरों को जाकर सूचना और चेतावनी दे रही थी कि आप जल्द से जल्द समुद्री किनारों पर या बंदरगाहों पर पहुंचिए,
समुद्र में तूफान आने वाला है। साथ ही साथ देखिए जो कोस्ट गार्ड है उसका एक कोऑर्डिनेशन होता है मछुआरों के संगठनों के साथ में, तो कोस्ट गार्ड इसके लिए काफी पहले से तैयारी कर चुका था और जो जानकारी है उसके मुताबिक जो मछुआरों के संगठनों द्वारा जानकारी मिल रही है कि सभी जो मछुआरों की नाव है उनको समुद्री किनारों पर ला दिया गया है और समुद्र से सभी को बाहर आने के लिए कह दिया गया है। सबसे ज्यादा चिंता होती है कि ये जो मछुआरों की बस्ती होती है कोलीवाड़ा जिसे कहते हैं मुंबई में, वो समुद्री किनारों पर बसे होते, चाहे वो वर्सोवा कोलीवाड़ा हो, साथ ही साथ वर्ली कोलीवाड़ा हो, अकफ परेड का कोलीवाड़ा हो, ये सब समुद्र किनारे ज्यादातर लोग झुग्गियों में रहते हैं, उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना बहुत बड़ी चिंता की बात होती है। लेकिन पहले से सावधानी बरती गई है और स्पॉट आइडेंटिफाई किए गए हैं, यानी कि स्कूल और कॉलेजेस को आइडेंटिफाई किया गया, वहां पर इन लोगों को शिफ्ट किया जाएगा, इस प्रकार की तैयारी की गई है। जी आप रहे मृत्युंजय हमारे साथ रहे और इस वक्त पोरबंदर की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं जहां पर मछुआरों को दिशा निर्देश दिया गया था कि वो समंदर में ना जाए, वो लौट आए हैं, समंदर वापस लौट आए। नावें आप देख रहे हैं जिनको किनारे पर लगा दिया गया है, ये गुजरात के पोरबंदर की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। और इस तावते चक्रवाती तूफान से बचाने के लिए तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। मुंबई से आप देख रहे थे वहां पर किस तरह की तैयारी की, तूफान को लेकर किस तरह से राज्य सरकार की तैयारी है और क्या कुछ उनको मदद की जा सकती है, इसको लेकर एक अहम बैठक होने वाली है और इसमें गृहमंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बातचीत करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये अहम बैठक होगी तावते तूफान को लेकर। अमित शाह के साथ उद्धव ठाकरे की अहम बैठक अब से कुछ देर में होने वाली है। आपको बता दें तावते चक्रवाती तूफान लगातार धीरे धीरे विकराल रूप ले रहा है और महाराष्ट्र भी हाई अलर्ट पर रखा गया है और महाराष्ट्र को लेकर क्या कुछ तैयारी है राज्य सरकार की और उनको केंद्र की तरफ से जो कुछ भी मदद चाहिए, क्योंकि केंद्र ने भी लगातार इस स्थिति पर नजर बनाकर रखी है और ये अहम बैठक अमित शाह और उद्धव ठाकरे के बीच होने वाली है। महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात तीनों ही अलर्ट पर है और गुजरात के सूरत से इस वक्त धनराज वागले हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। धनराज, एक तो किस तरह की तैयारियां, क्या स्थिति है वहां को लेकर, और गृहमंत्री अमित शाह अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से तो बात करने ही वाले हैं, क्या गुजरात के मुख्यमंत्री से भी वो बातचीत करेंगे, तैयारियों का जायजा लेंगे? जी बिल्कुल, गुजरात के साथ संपर्क में है ही, लेकिन जिस प्रकार से जिला स्तर पर कामकाज करने की बात जो की जाए तो सूरत में कुल 40 गांवों को अलर्ट किया गया है। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हो, सुवाली दरिया किनारे की सूरत की तस्वीरें है, यहां पर तूफान के पहर की शांति देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से तोकते साइक्लोन है वो गोवा की ओर यहाँ बारिश के साथ अभी फिलहाल उसकी असर देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात की ओर आने की संभावना जताई जा रही है। इसको लेकर के खास करके NDRF की टीम है, मामलतदार की टीम है, वो गुजरात के सूरत में आए कुल 40 जितने गांव है जो दरिया किनारे से सटे गांव है, उन्हें लोगों को अभी फिलहाल सतर्क किया जा रहा है। गुजरात के सूरत की बात की जाए, सूरत में ओलपाड़ में 28 गांव हैं, चौरासी में 8 गांव हैं, मजूरा के 4 गांवों को अलर्ट किया गया है। मामलतदार की ओर से सूचना दी गई है कि समुद्र किनारे जो टहलने लोग आते हैं उन्हें ना भेजा जाए, यहां पर पुलिस बंदोबस्त भी रखा गया है। जिस प्रकार की तस्वीरें गुजरात के सूरत में देखने को मिल रही, गोवा महाराष्ट्र उसके बाद गुजरात में इसकी असर देखने को मिलने वाली है, ऐसे में गुजरात के मुख्यमंत्री जो है वो अमित शाह के साथ सतत संपर्क में हैं, यहाँ पर NDRF की टीम भी तैनात की गई है, अगर कोई बड़ी होनारत होती है तो उसको पहुँचने के लिए तंत्र भी तैयार है। जी अलर्ट किस तरह का जारी किया गया है और कब तक ये चक्रवाती तूफान जो है वो वहां का रुख कर सकता है, पहुंच सकता है वहां तक, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, बात की जाए दक्षिण गुजरात की तो गोवा से के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गुजरात की बॉर्डर लगती है, तो यहां पर कुल 55 किलोमीटर का जो एरिया है दक्षिण गुजरात का, तो इस एरिया में संभवतः यह साइक्लोन की असर देखने को मिलने वाली है। हालांकि प्रशासन की ओर से जो कच्चे मकानों में रहने वाले लोग हैं उन्हें आगाह किया गया है कि वो सही सलामत अपने पक्के मकानों में आश्रय ले ले, उसके बाद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हर पल निर्देश कर रहे हैं। इस वक्त अपने दर्शकों को बड़ी जानकारी दे दें, गृहमंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ अहम बैठक करने वाले हैं तावते तूफान को लेकर, क्या कुछ इससे जुड़ी पूरी जानकारी है वो बताने के लिए हमारे साथ जितेंद्र दीक्षित हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, अहम बैठक है क्योंकि जो स्थिति हम देख रहे हैं अभी महाराष्ट्र में, जिस तरह का अलर्ट है, तैयारियां सबको मिलकर करनी होंगी। जी हाँ बिल्कुल, इसमें महाराष्ट्र में जो तटवर्तीय इलाके हैं, खास करके जो कोंकण का इलाका है, वहां पर इस तूफान का काफी प्रभाव पड़ सकता है और जो तूफान की दिशा है वो
अब जो है साउथ वेस्ट की तरफ, जो साउथ वेस्ट अरेबियन सी है उस तरफ ये आगे बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो महाराष्ट्र के हैं वहां पर तक डैमेज ना हो, और इसके साथ ही अगर तूफान से जो प्रभाव पड़ता है तो उसको देखते हुए किस तरह से तुरंत राहत पहुंचाई जाए, इन तमाम बातों को लेकर रणनीति तैयार करने की खातिर बताया जा रहा है कि अमित शाह के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बैठक होनी है। जी बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए, तो पूरी जानकारी दे रहे थे और लगातार हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। ABP News आपको रखे आगे।